इंडिया वर्सेस बांग्लादेश तीसरा T20 मैच जो कि खेला जाएगा 12 अक्टूबर शाम 7 बजे राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसी रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेंगे वेन्यू रिकॉर्ड्स, कैसा रहेगा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, क्या रहेगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और वीडियो के लास्ट में देखेंगे की प्लेयर जो आज के मैच में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पिच अगर आप देखेंगे तो हाईली बैटिंग फ्रेंडली नेचर की देखने को मिलेगी। इस वेन्यू पे काफी अच्छे रन देखने को मिले हैं। आईपीएल में 2 मैच हुए थे और दोनों मैच काफी हाई स्कोरिंग हुए थे और हाई स्कोरिंग मैच भी चेज हुए थे। तो और यहाँ पे देखेंगे तो बॉलर्स के लिए अच्छी खासी बाउंस देखने को मिलेगी। फास्ट बॉलर थोड़ा इफेक्टिव रहते हैं, स्पिनर्स उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ क्वालिटी स्पिनर्स हैं जैसे लेग आर्म ऑफ ब्रेक जो बॉलर हैं वो इस वेन्यू पे काफी अच्छा परफॉर्म करने की संभावना है। और दोनों टीमों के पास देखेंगे तो अच्छी खासी स्पिनर्स की टीम है और टीमें टॉस जीत के देखेंगे तो इस वेन्यू पे चेज करना पसंद करेंगे। इस वेन्यू पे ड्यू फैक्टर की वजह से चेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं वेन्यू रिकॉर्ड्स की। इसी वेन्यू पे 2 मैच खेले गए, दोनों मैच चेज हो गए। एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का 180 प्लस का अब तक देखा गया है। हेड टू हेड में लास्ट 10 मैचों में देखेंगे तो इंडिया 9 मैच और बांग्लादेश 1 मैच जीती है। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की बात करें तो 87 विकेट गिरे हैं जिसमें पेसर्स को 59 और स्पिनर्स को 28 विकेट मिले हैं। पेसर्स ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं इस वेन्यू पे। स्पिनर्स में कुछ क्वालिटी स्पिनर्स हैं दोनों टीमों के पास जो इस वेन्यू पे अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों इसी वेन्यू पे खेले गए आईपीएल के 2 मैचेस के रिकॉर्ड निकाले हैं। पहला मैच में पंजाब और हैदराबाद के बीच मैच था। पंजाब 214 बनाई थी 5 विकेट के नुकसान पर, हैदराबाद 215 बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पर और हैदराबाद 4 विकेट से मैच जीत गई थी। और दूसरा मैच देखेंगे तो लखनऊ और हैदराबाद के बीच मैच था। हैदराबाद 165 बनाई थी 4 विकेट के नुकसान पर, हैदराबाद 167 बनाई थी और 10 विकेट से मैच जीत गई थी। दोनों ही मैचों में देखेंगे तो ट्रेविस हेड ने काफी अच्छा परफॉर्म और काफी अच्छा स्टार्ट दिया था और उनका साथ दिया था अभिषेक शर्मा ने। तो यहाँ पे काफी अच्छे खासे छक्के आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे और मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, उसके बाद फर्स्ट डाउन सूर्य कुमार यादव, नीतीश रेड्डी, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रियान प्रयाग, डब्लू सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और मयंक यादव, ये रहनी चाहिए एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। हो सकता आज के मैच में एक दो चेंजेस देखने को मिले आपको। बांग्लादेश की तरफ देखेंगे तो लिट्टन दास, हुसैन इमान, हुसैन शैंटो, तौहिद हिरदोई, एम एच मिराज, मोहम्मदुल्ला, जाकिर अली, रिशाद हुसैन, तंजीम साकिब, मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद, ये रहनी चाहिए एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश की तरफ भी आप देखेंगे तो हो सकता है एक या दो प्लेयर चेंज करे जा सकते हैं जिसमें जाकिर अली हो सकता है आज के मैच में ड्रॉप रहे। दोस्तों बढ़ते हैं रिकॉर्ड्स की तरफ। विकेट कीपर सेक्शन में इंडिया की तरफ देखेंगे संजू सैमसन, 2 मैच खेले हैं बांग्लादेश के खिलाफ, 39 रन बनाए हैं और 19.5 का एवरेज है। रिसेंट परफॉर्मेंस 10, 29 और 0 देखेंगे तो फर्स्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करी थी, अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश करी थी। सेकेंड मैच में शुरुआत अच्छी करे थे, 2-4 मारे थे लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गए। संजू सैमसन आप देखेंगे तो हिट एंड मिस टाइप की बल्लेबाजी लेकिन बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो जरूर प्रीफर करिएगा। जितेश शर्मा हो सकता है आज के मैच में मौका मिल जाए। हेड टू हेड वेन्यू पर रिकॉर्ड नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस 0, 31, 4 ये भी है। हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, विकेट कीपिंग सेक्शन से भी पॉइंट दे सकते हैं। अब तक 9 मैचों में 100 रन बनाए हैं T20 में और 14.2 के आसपास का एवरेज है इनका। और अदरवाइज आप इनको अभी कंसीडर करिए कि ये बेंच प्लेयर के रूप में ही रहेंगे। बांग्लादेश की तरफ देखेंगे लिट्टन दास, हेड टू हेड में 10 मैच 188 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस 14-4 और 54 की है। अभी लास्ट 2 मैचों में आप देखेंगे तो काफी फ्लॉप नजर आए हैं लेकिन प्लेयर लाजवाब हैं, तेज खेलना पसंद करते हैं। इस वेन्यू पे अगर बैटिंग इनकी फर्स्ट आती है तो आप जरूर प्रीफर कर सकते हैं। जाकिर अली ओवरऑल देखेंगे तो बैटिंग से तो बहुत फ्लॉप है, बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, हेड टू हेड में 4 मैच 34 रन है तो आप इजिली ड्रॉप कर सकते हैं इनको। विकेट कीपर सेक्शन में 2 प्लेयर हैं जैसे संजू सैमसन और लिट्टन दास, एटलीस्ट 1 प्लेयर को अपनी टीम में जरूर कंसीडर करिएगा। इंडियन बैटिंग सेक्शन में देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव, हेड टू हेड में 4 मैच 73 रन है, हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका उतना बढ़िया नहीं है जिस हिसाब के ये प्लेयर हैं, लेकिन वेन्यू पे देखेंगे तो 1 मैच में 69 रन बनाए हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस 8, 29 और 8, प्लेयर लाजवाब है। आज के मैच में पूरी संभावना है
ये अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। आज के मैच में 40 प्लस आपको रन देखने को मिल सकते हैं सूर्य कुमार यादव के बैट से। तिलक वर्मा हेड टू हेड में एक मैच 55 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 26-0-29। हो सकता है आज के मैच में इनको जरूर कंसीडर किया जाए। वेन्यू काफी अच्छा है, ये भी हार्ड हिटिंग करते हैं, अच्छे छक्के मारने की कैपेबिलिटी है इनमें। आज के मैच में मौका मिलता है तो कंसीडर करने की जरूर सोचिएगा। अभिषेक शर्मा हालांकि लास्ट दो मैचों में स्टार्ट तो अच्छा दिया, लेकिन इसको किसी 50 रन में कन्वर्ट नहीं कर पाए या अच्छे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हेड टू हेड में 2 मैच 31 रन है। आज के मैच में उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन में कोई एक प्लेयर होगा जो अच्छा खासा परफॉर्म करके देगा, तो दोनों में से किसी एक प्लेयर को अपनी टीम में जरूर रखना है। हेड टू हेड में 2 मैच 31 रन है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। रिंकू सिंह हालांकि लास्ट मैच में देखेंगे तो 53 रन की पारी थी, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो हार्दिक पांड्या के पहले बैटिंग करने आए थे। हेड टू हेड में 3 मैच और 53 रन है और 18 का एवरेज है तकरीबन। काफी सूझबूझ से बैटिंग करी थी इन्होंने और काफी तेज खेलना भी प्रिफर किया था, अच्छा खासा स्कोर बनाया था और इसीलिए इंडियन टीम 200 के पार भी नजर आई थी, अच्छी खासी पार्टनरशिप देखने को मिली थी। तो इंडियन बैटिंग सेक्शन में सूर्य कुमार यादव मस्ट पिक रहेंगे। संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा में कोई एक प्लेयर आज के मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी बाउंस मिलेगी तो हार्ड हिटिंग देखने को मिल सकती है। रिंकू सिंह आप चाहें तो रिंकू सिंह या तिलक वर्मा में किसी एक प्लेयर को कंसीडर कर सकते हैं। आज के इंडियन बैटिंग में बैटिंग सेक्शन में एटलीस्ट 3 बैट्समैन आपको पिक करके चलने हैं, तो चाहे सूर्य कुमार यादव कंफर्म रहेंगे, अभिषेक शर्मा संजू सैमसन में किसी एक को प्रीफर करिएगा, बाकी तिलक वर्मा रिंकू सिंह में किसी एक प्लेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। बांग्लादेश के बैटिंग सेक्शन देखेंगे तो एनुसेन शैंटो एज अ कैप्टन खेल रहे हैं। हेड टू हेड में 4 मैच 99 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस में देखेंगे तो 11-27-5 है। वेन्यू रिकॉर्ड किसी का नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप देखेंगे तो शैंटो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे, अच्छा खासा टाइम मिलेगा और इंडिया के खिलाफ देखा है तो ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ अपने बैटिंग से पॉइंट दे के जाएंगे। रदौई की बात करते हैं तो हेड टू हेड 3 मैच 18 रन है और आप देखेंगे तो टोटली फ्लॉप है, आप चाहें तो इनको इजिली ड्रॉप कर सकते हैं। तंजीद हसन हेड टू हेड में 1 मैच 29 रन है और वैसे रीसेंट परफॉर्मेंस 0-29-0, प्लेयर लाजवाब है, स्टार्ट अच्छा दे सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग है तो कंसीडर कर सकते हैं। परवेज हुसैन की बात करते हैं तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 3 मैच में 47 रन है और लास्ट 2 मैचों में उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और उतना अच्छा क्लास भी नहीं है बैटिंग से। तो बांग्लादेश बैटिंग सेक्शन में हुसैन शैंटो और तंजीद हसन 2 प्लेयर हैं जिनको आप अपनी टीम में कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। हार्दिक पांड्या राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, हेड टू हेड में 7 मैच 8 विकेट 172 रन बनाए हैं, इसी वेन्यू पे 1 मैच खेला है 25 रन बनाए हैं। बैटिंग से देखेंगे तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नजर आ रही है, एक क्रूशियल बैटिंग परफॉर्म करके दे रहे हैं अपनी टीम को और कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में जो भी अच्छे ऑलराउंडर हैं उनमें से हार्दिक पांड्या एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अच्छा खासा रनों और बॉलिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मस्ट पिक रहेंगे। विकेट देखेंगे तो 0-1-2-3 ओवर कराने की एटलीस्ट आज के मैच में भी उम्मीद है, तो हार्दिक पांड्या मस्ट पिक रहेंगे। रियान प्रयाग बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, बॉलिंग से हालांकि लास्ट मैच में 1 विकेट ले लिया था और रिसेंट परफॉर्मेंस 15-0-26 उतनी खास नहीं है। हो सकता है आज के मैच में रिंकू सिंह की जगह रियान प्रयाग को प्रमोट किया जा सकता है। तो राइट आर्म आप देखेंगे तो स्पिनर हैं, ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलिंग कराएंगे। वॉशिंगटन चुंदर ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराएंगे, हेड टू हेड में 9 मैच 14 रन है और 9 विकेट है, वेन्यू पे 1 मैच 1 विकेट है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं बोलेंगे लेकिन 1-2 विकेट निकालने के हिसाब से ये ठीक ठाक प्लेयर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है। और वॉशिंगटन सुंदर आज की पिच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं साबित होंगे, स्पिनर्स को कम सपोर्ट मिलेगा और बैटिंग आने के भी चांसेस कम रहेंगे, तो आप चाहें तो वॉशिंगटन सुंदर को आज के मैच में ड्रॉप कर सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी हो सकता है सेकेंड डाउन बैटिंग करने आए, लास्ट मैच में 74 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन, उससे पहले 16 का और 2 विकेट भी इंपॉर्टेंट निकाले थे इन्होंने। हेड टू हेड में 2 मैच 90 रन है और 2 विकेट निकाले हैं, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं क्योंकि बैटिंग भी पूरी मिलेगी और बॉलिंग भी 2-3 ओवर कराने की संभावना है। हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी 2 प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको अपनी टीम में आप कोशिश करिएगा कि कंसिडर जरूर करिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं तो मेहदी हसन मिराज हेड टू हेड में 5 मैच 80 रन है और 1 विकेट निकाला है,
बैटिंग से देखेंगे तो अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। पिच स्पिन को कम सपोर्ट करेगी तो आप चाहे इनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन एज अ बैट्समैन आप इनको कंसीडर करके जरूर चलिएगा। निशाद हुसैन लास्ट मैच में आप देखेंगे तो एक ही ओवर में 3 विकेट निकाले थे। बैटिंग से तो उतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन बॉलिंग से अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हेड टू हेड में 3 मैच 5 विकेट हैं। लेग ब्रेक स्पिन है, पिच लेग ब्रेक स्पिन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बैट्समैन के लिए तो, और नए बॉलर है, काफ़ी कम खेला हुआ है इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस, और काफ़ी इंडियन बैट्समैन भी इनको बहुत कम खेले हुए हैं तो उतना ज़्यादा इनको के बॉल को पिक करना इतना इजी नहीं रहेगा। लेकिन बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इरशाद हुसैन में कुछ क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो इसमें से इरशाद हुसैन एक हैं, 1 से 2 विकेट की उम्मीद आप इनसे कर सकते हैं। महमूदुल्ला ये बॉलिंग तो अब नहीं कराते हैं, बैटिंग से देखेंगे तो 41-6 बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन इनका अच्छा रहता है। हेड टू हेड में देखेंगे तो 12 मैच में 3 विकेट और 199 रन है। तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर सेक्शन में मेहंदी हसन मिराज कुछ और मोहम्मदुल्ला, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को अपनी टीम में कंसीडर करिएगा। रिशाद हुसैन देखेंगे तो 4 ओवर कंप्लीट कराएंगे तो आज के मैच में उम्मीद है कि 1 से 2 विकेट अपनी टीम के लिए निकाल के दे सकते हैं। हालांकि तीनों ही प्लेयर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ठीक है। मोहम्मदुल्ला को आप बात करूँ तो खाली एज अ बैट्समैन ट्रीट करके चलिएगा और आप चाहें तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी अच्छी बाउंस मिलेगी तो अच्छे खासे बड़े शॉट खेलने के लिए महमूदुल्ला काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है तो इनको भी टीम में आपको जगह देनी है। तो इन तीनों प्लेयरों में तीनों ही प्लेयर बांग्लादेश के ओवरऑल देखेंगे तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, तो एटलीस्ट 2 प्लेयर को अपनी टीम में कंसीडर करिएगा। आप किन्हीं भी 2 प्लेयर को अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं। इंडियन बॉलिंग सेक्शन में अरशदीम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, हेड टू हेड में 5 मैच 9 विकेट है। रीसेंट परफॉर्मेंस 1-3-2 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। रवि बिश्नोई आज के मैच में देखेंगे तो लेग ब्रेक गुगली, हो सकता है इनको आज के मैच में कंसीडर किया जाए। बांग्लादेश के खिलाफ 1 मैच खेला, 1 विकेट निकाला, रीसेंट परफॉर्मेंस 2-3-1 T20 में अच्छी परफॉर्मेंस है। वरुण चक्रवर्ती लेग ब्रेक गुगली है, थोड़े से महंगे साबित होते नजर आते हैं लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो विकेट टेकिंग बॉलर है। हेड टू हेड में 2 मैच 5 विकेट है, रीसेंट परफॉर्मेंस 2-3-0 काफी इंपॉर्टेंट पिक है। हर्षित राणा की बात करते हैं तो राइट एम फास्ट बॉलर हैं, T20 स्टैट्स देखेंगे तो 25 मैचों में 28 विकेट हैं। प्लेयर काफ़ी लाजवाब हैं और अच्छी खासी बाउंस कराने में सक्षम रहते हैं ये, और आप देखेंगे तो मौका मिलने पे ये स्लो बॉल भी कराने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं। टीम में जगह मिलती है तो एटलीस्ट 2 विकेट तो आज इनके फिक्स रहेंगे। मैं कह तो राइट एंड फास्ट बॉलर है, अपनी स्पीड को मेंटेन करने के चक्कर में उतने विकेट तो नहीं ले जा रहे, लेकिन हर मैच में कोई ना कोई 1 विकेट तो जरूर कंसीडर कर लीजिए इनका, 1 विकेट जरूर निकाल के देते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट विकेट देते हैं। तो हेड टू हेड में 2 मैच खेला है 2 विकेट निकाले हैं। इंग्लैंड के बॉलिंग सेक्शन इंडिया के बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो सारे ही प्लेयर लाजवाब हैं, लेकिन इनमें से अर्शदीप सिंह जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप स्पिनर्स में अगर आप चाहूँ तो अगर इन दोनों को चांस मिलता है दोनों में से किसी एक को कंसीडर करिएगा, और बाकी हर्षित राणा को मिलता है तो हर्षित राणा को जगह दीजिएगा। मयंक यादव को अगर आज के मैच में मौका मिलता है तो मयंक यादव को जरूर मौका दीजिएगा। एटलीस्ट इंडियन बॉलिंग सेक्शन में 3 बॉलर आपको कंसीडर करके चलने हैं। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप 3 की जगह 4 बॉलर भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 3 बॉलर आपको लेके चलने हैं। और फास्ट बॉलरों में देखें तो एटलीस्ट 2 फास्ट बॉलर आपको जरूर रखने हैं, जिसमें से अर्शदीप फिक्स रहेंगे। मयंक यादव खेलते हैं तो इनको कंसीडर करिएगा। अगर मयंक यादव की जगह हर्षित राणा को जगह मिलती है तो हर्षित राणा को कंसीडर करिएगा अपनी टीम में। बांग्लादेश के बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और इनको देखा गया है कि पावर प्ले में बॉलिंग करते नहीं नजर आ रहे हैं और इसी वजह से आप देखेंगे तो काफी इनको विकेट भी मिल रहे हैं, 2-1-1 रीसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। हेड टू हेड में देखेंगे तो 12 मैच 7 विकेट है। आज के मैच के अकॉर्डिंग ये मस्ट पिक रहेंगे। तस्कीन अहमद राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं और तंजीम साकिब राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। तस्कीन अहमद देखेंगे तो 6 मैच में 4 विकेट हैं, तस्कीन अहमद देखेंगे तो 2 मैच में 4 विकेट है। दोनों ही प्लेयर लास्ट मैच में 2-2 विकेट निकाले थे। आज के मैच में देखेंगे तो इन दोनों में से कोई एक फास्ट बॉलर होगा जो अच्छा परफॉर्म करके देगा, तो अगर मल्टीपल टीमें बनाते हैं तो इन दोनों को अलग अलग टीमों में आप स्विच कर सकते हैं। मेहंदी हसन स्टैट देखेंगे तो 49 मैचों में 39 विकेट है। हालांकि हो सकता है आज के मैच में मौका ना मिले इनको, आज के मैच में हो सकता है कि शरफुल इस्लाम को मौका मिल सकता है।
लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, हेड टू हेड में 2 मैच 1 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस 0-2-1। प्लेयर लाजवाब है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। रकीबुल हसन की बात करते हैं तो लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक है, आज स्पिनर को उतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हो सकता है इनको फिर मौका ना मिले, ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन उतनी भी अभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। तो बांग्लादेश बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो मुस्तफिजुर रहमान एक मस्ट पिक रहेंगे, तस्कीन तंजीम और शरीफुल इस्लाम, इन तीनों में से एटलीस्ट एक बॉलर अपनी टीम में जरूर कंसीडर करिएगा। अगर तस्कीन अहमद या तंजीम अहमद खेलते हैं तो इन दोनों में से कंसीडर करिएगा, अगर शरीफुल इस्लाम खेलते हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कोई एक प्लेयर होगा जो आज के मैच में ड्रॉप हो सकता है। तो अगर शरीफुल इस्लाम खेलते हैं तो मैं शरीफुल इस्लाम के साथ जाऊंगा, अदरवाइज तस्कीन अहमद या तंजीम साकिब में किसी एक प्लेयर को मैं अपनी टीम में जरूर कंसीडर करूंगा। इंडिया और बांग्लादेश की तरफ देखेंगे तो हार्दिक पांड्या, बरम चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव कंप्लीट ओवर कराएंगे। रिमेनिंग ओवर में देखा है कि इंडिया की तरफ बहुत बॉलर हैं, अभिषेक शर्मा, रेड्डी, रियान प्रयाग, डब्लू सुंदर एक एक दो दो ओवर का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। डेथ ओवर में अर्शदीप और मयंक यादव करा सकते हैं, अगर हर्षित राणा खेलते हैं तो हर्षित राणा भी बॉलिंग करते नजर आ सकते हैं। बांग्लादेश की तरफ देखेंगे तो रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन तंजीम कंप्लीट ओवर कराएंगे। रिमेनिंग ओवर में मोहम्मदुल्ला करा सकते हैं लेकिन उतने आजकल देखा गया है कि बहुत ज्यादा बॉलिंग से में इन्वॉल्व नहीं नजर आते हैं, अदरवाइज मेहदी हसन मिराज बॉलिंग करते नजर आएंगे। डेथ ओवर में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन या तंजीम में कोई एक बॉलिंग करता नजर आएगा, अगर शरीफुल इस्लाम खेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इनको भी अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं। की प्लेयर की बात करते हैं तो इंडिया की तरफ संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा में कोई एक, उसके बाद देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव, नीतीश रेड्डी, रिंकू सिंह, आप चाहें तो दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज एक तो आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। उसके बाद हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, यहाँ पे अगर हर्षित राणा को जगह मिलती है तो आप हर्षित राणा को कंसीडर कर सकते हैं। बांग्लादेश की तरफ शेंटो, मेहंदी हसन मिराज, मोहम्मदुल्ला, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, ये प्लेयर हो सकता है आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करें। और यहाँ पे एक प्लेयर मैंने छोड़ा है, लिट्टन दास। लिट्टन दास को मैंने इसलिए छोड़ा है कि अभी तक आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं लेकिन बैटिंग फ्रेंडली पिच है, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो जरूर कंसीडर करिएगा। और यहाँ बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो मैंने तस्कीन या तंजीम में किसी एक प्लेयर को जरूर कंसीडर करिएगा अपनी टीम में। की प्लेयर में ये सारे प्लेयर ऐसे हैं कि इनको बेस मान के अगर अपनी टीम बनाएंगे तो अच्छी खासी विनिंग हो सकती है। दोस्तों अब बढ़ते हैं डेमो टीम की तरफ, पहली टीम में मैंने लिट्टन दास, दूसरी टीम में सैमसन। यहाँ पे मैंने लिट्टन दास लिया है इसलिए मैंने संजू सैमसन ड्रॉप किया है और अभिषेक शर्मा को कंसीडर किया है। यहाँ पे मैंने रिंकू सिंह को कंसीडर किया है, यहाँ सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, सेंटो और सेंटो, ये यहाँ पे विकेट कीपर और बैटिंग सेक्शन को कंसीडर किया है। ऑलराउंडर सेक्शन में देखेंगे तो हार्दिक पांड्या, हुसैन और नीतीश रेड्डी, यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेम रखा है, बस यहाँ पे मैंने मेहंदी हसन मिराज को कंसीडर किया है। बॉलिंग सेक्शन में मैं 4 बॉलर के साथ जाऊंगा जिसमें से अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती, यहाँ पे मैंने वरुण चक्रवर्ती लिया है, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हो सकता है हर्षित राणा खेलेंगे तो हर्षित राणा को, और अदरवाइज यहाँ पे मयंक यादव। मयंक यादव देखा है कि रेगुलर एक एक विकेट को निकाल लेते हैं लेकिन वो बंडल्स में विकेट निकालने में अभी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे देखा है मैंने मुस्तफिजुर रहमान और तंजीम साकिब, यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद को कंसिडर किया है, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक इंडिया के फास्ट बॉलर को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की। इंडिया की तरफ देखेंगे तो कोई भी आगे मार पीट के चला जा रहा है बांग्लादेश की टीम को, तो कैप्टन वाइस कैप्टन अगर इंडिया की तरफ से देखेंगे तो काफी प्लेयर हैं और बांग्लादेश की तरफ भी एक दो प्लेयर हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छी पिक रहेंगे। यहाँ पे आज अभिषेक शर्मा या सूर्य कुमार यादव में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छी पिक साबित होगी। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो नीतीश रेड्डी, आज इन पे काफी भरोसा है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैटिंग आने के 100% चांसेस हैं। तो ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं और नीतीश रेड्डी को 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी मिल सकती है, मीडियम फास्ट बॉलर रहेंगे तो हो सकता है कि 1-2 विकेट निकाल के दें। बॉलिंग सेक्शन में आज अर्शदीप हो सकता है काफी अच्छे विकेट ले जाते नजर आए, तो इंडिया की तरफ से ये 5 प्लेयर हैं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके अच्छी विनिंग कर सकते हो। अगर आप बांग्लादेश की तरफ से किसी को कंसीडर करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं आज के मैच में, और अगर बांग्लादेश की टीम की पहले बैटिंग आती है तो शेंटो हो सकता है आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करें।
तो बांग्लादेश की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन में मैं सिर्फ दो ही प्लेयर को कंसीडर करता हूँ, बाकी मोस्टली मैं इंडियन टीम की तरफ से ही कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करूंगा। दोस्तों यहाँ पे स्टैट्स खत्म होते हैं और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अब अगले मैच में। गुड बाय।